देखिए डीएमएफटी की मीटिंग की थी, उसमें खनन प्रभावित जो इलाके हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात है, चाहे सड़कें हैं, स्कूल में कमरे हैं, पेयजल की समस्या है, और इसके अलावा जो खनन के से प्रभावित लोग जैसे सिलिकोसिस नाम की बीमारी जिन लोगों को हो जाती है, उन लोगों को जिनको ये बीमारी हो जाती है उनको 1,00,000 रुपया तत्काल इस फंड से हम देंगे, और जिनकी मृत्यु हो जाती है खान में काम करते करते सिलिकोसिस की बीमारी होने के बाद, उनके परिवारों को जो आश्रित हैं उनको 3,00,000 रुपये तत्काल रिलीज करने की बात की। टोटल 279 लोग हैं जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं अभी, और 70 लोग हैं जिनकी मृत्यु हुई है अजमेर ज़िले के अंदर, उनको हमने तत्काल 1 सप्ताह के अंदर सारी राशि जारी करने के लिए कह दिया है। 3 वो मोबाइल वैन पूरे खनन प्रभावित इलाकों में घूमेगी, जो बराबर आम आदमी के स्वास्थ्य की जांच करेगी ताकि अन्य लोग ज़्यादा बीमारी से ग्रसित नहीं हो पाए। इसके अलावा हर महीने एक निश्चित तारीख को वहाँ कैंप आयोजित किए जाएंगे खनन प्रभावित इलाकों के अंदर, तो वहाँ आम आदमी के स्वास्थ्य की जांच का काम किया जाएगा। इसी प्रकार अनेक निर्णय हमने लिए हैं, मैं समझता हूँ कि इससे अजमेर ज़िले में जिन लोगों की सेहत खनन क्षेत्रों में प्रभावित हो रही है, चाहे वहाँ एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उन तमाम बिंदुओं पर आज चर्चा हुई है और बहुत ही सार्थक मीटिंग रही है, तो आने वाले टाइम में इस पर प्रभावी तरीके से काम होगा। दूसरा, डीएलसी की जो दरें हैं 2016 से लेके अब 2019 में हम लोग हैं, डीएलसी की रेट पे से निर्धारण के लिए जिले में कोई मीटिंग हुई नहीं पूर्ववर्ती सरकार के टाइम में, अब 3 साल के बाद ये मीटिंग आज हुई है। तमाम जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति के प्रधानगण, हमारे तहसीलदार, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अन्य अधिकारी और म्यूनिसिपल टाउन में रहने वाले ईओ, सारे अधिकारीगण बैठे थे, उन रेटों का पुनर्निर्धारण करने के अलग अलग प्रस्ताव आए हैं, जिन प्रस्तावों को जिलाधीश जी के माध्यम से राज्य सरकार को भेजे जाएंगे ताकि रेट्स रिवाइज होगी डीएलसी की। योगा पे तो मेरे ख्याल से किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी की कहीं फोटो योगा दिवस के मसला, देखिए इसको राजनीति से जोड़ के देखना उचित नहीं है। योगा विशुद्ध रूप से एक अभियान है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया है, और हर चीज़ में राजनीति देखना भी उचित बात नहीं है। हम इन चीज़ों को राजनीति से परे देखना चाहते हैं, ये आम आदमी की सेहत से जुड़ी हुई चीज़ है और योगा प्रमोट होना चाहिए। हमने पंचायतों में आज सब जगह योगा शिविर आयोजित किए, राजधानी जयपुर में हुआ, अजमेर में हुआ, अच्छा काम हुआ, उसमें कमियाँ ढूंढना अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे भी है, वो सबके आदरणीय है, तो हम लोग कभी इंटेंशनली ये काम करते नहीं है कि भाई हम प्रधानमंत्री जी की फोटो नहीं लगाएंगे कि नहीं। ये राज्य स्तरीय प्रोग्राम था और राज्य स्तरीय प्रोग्राम में मुख्यमंत्री जी की फोटो लगी हुई थी, हमारी फोटो लगी हुई थी। अब देवनानी जी को इससे ऐतराज है तो इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट में दिक्कत ये है, जैसे किडनी की बात है, किडनी में जब तक ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा पेशेंट का, किडनी ट्रांसप्लांट हो नहीं सकती। अब डोनर है, डोनर भी मिलते हैं नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, स्वेच्छा से डोनेशन होता है, लेकिन जो पेशेंट है उसके अगर ट्रांसप्लांट करते हैं आप तो ब्लड ग्रुप मिलना जरूरी है, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं रहता है जो ट्रांसप्लांट है। इसलिए मेडिकल एस्पेक्ट्स को देख के ही बात हो सकती है। अब इसमें क्यों है तो इसका तो मेडिकल जो ग्राउंड है उसके ऊपर ही, अगर आपको मिलेगी नहीं किडनी, ब्लड ग्रुप नहीं मिलेगा तो लगाना मेरे ख्याल से सक्सेसफुल नहीं रहता है। कई कारण हैं जिसमें कॉम्प्लिकेशंस जो है बाद में हो जाती है, तो आंख मीच के तो कर नहीं सकते ना इन चीज़ों। नहीं नहीं, उनसे हमारी सार्थक चर्चा हो चुकी है, जयपुर में भी कर्नल किरोड़ी सिंह की फैसला के साथ 3 मंत्री एवं राज्य सरकार के और पूरे उनका डेलीगेशन, उनके साथ बातचीत हुई, वो भी संतुष्ट होके गए, हमने भी सकारात्मक मीटिंग को बताया।